बिल्कुल, ये बात सही है कि एक नृत्यांगना को साथ देना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िकल एंसेंबल। हमारे में तो और भी है, हमारा नटुवंगम है, मृदंगम है, गाना है, फ्लूट है, वायलिन है, और अगर वो लाइव ऑर्केस्ट्रा नहीं है तो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड भी वो आके बजाए ना आपके लिए, ऊपर से तो नहीं गिरे हैं, तो ये सब तो ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि म्यूज़िक के बिना डांस, आप ये सोच रहे हैं, तो ये देखिए, वैसे तो देखा जाए तो रिदम तो पूरी दुनिया में रिदम है। हमारे हाथ बीट से लेके सीज़न का जो चेंज है, नाइट एंड डे का चेंज है, जिस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, वो सब एक रिदम में है। हम जो चलते भी हैं, हम रिदम में हैं। तो जब हम नृत्य करते हैं तो मुझे लगता है यस, अगर हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, मुझे लगता है वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनका भी रिदम और मेलोडी हमसे इंस्पायर हो रहा है। जिस तरह से एक स्कल्प्टर डांसर को इंस्पायर करके, डांसर से इंस्पायर होके बनाता है अपनी जो शिल्पी, लेकिन मुझे लगता है म्यूजिशियंस भी डांसर को लेके इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, मुझे लगता है मिलजुल कर आर्ट क्रिएट करते हैं।